नमस्कार, वेब दुनिया के ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। हर सप्ताह की तरह हम लेकर आए हैं साप्ताहिक भविष्यफल, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका आने वाला सप्ताह कैसे बीतेगा। प्रतिदिन सुबह हम आपको दैनिक राशिफल की जानकारी देते हैं और अब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इस सप्ताह आपके कौन से काम आसान होंगे और आपको क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपका इस सप्ताह का शुभ अंक और शुभ रंग कौन सा है। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपका ये सप्ताह। मेष, किसी के प्रति प्रतिबद्धता के लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है। सामाजिक मोर्चे पर कुछ उत्साहवर्धक काम होने की संभावना है। घरेलू मुद्दे पर पति पत्नी एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं और किसी बात पर टकराहट हो सकती है। किसी संपत्ति सौदे को पूरा होने में अभी और वक्त लग सकता है। वित्तीय स्थिति में सुधार होने की संभावना है। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 15 है और शुभ रंग है गहरा हरा। वृषभ, किसी स्वार्थी व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास करना सही नहीं है। शैक्षणिक मोर्चे पर अच्छे संकेत है। पेशेवर मोर्चे पर आप कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, जिसका भविष्य में आपको फायदा मिलने वाला है। खुदरा व्यापारियों को अच्छी आमदनी होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आध्यात्मिकता और ध्यान से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आपका शुभ अंक 3 है और शुभ रंग है गुलाबी। मिथुन, शैक्षणिक मोर्चे पर अपनी प्रगति जानने के लिए आपको लगातार किसी के संपर्क में रहना पड़ सकता है। कोई पुरानी बीमारी आपको फिर से परेशान कर सकती है। पेशेवर मोर्चे पर किसी से सलाह मशवरा लेना लाभदायक साबित हो सकता है। घरेलू झगड़े में आप मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। ऋण के लिए किसी और पर भरोसा न करें। परिवर्तन की इच्छा रखने वालों के लिए सितारे पक्ष में हैं। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 7 है और शुभ रंग है बेबी पिंक। कर्क, कोई खुशी का समाचार मिलने की वजह से आप उत्साहजनक महसूस कर सकते हैं। नेटवर्किंग आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आर्थिक मोर्चे पर आपके सितारे बुलंद रहने वाले हैं। दूसरों के लिए खाना बनाकर आप अपने लिए खुशियां बटोर सकते हैं। सामाजिक मोर्चे पर आप किन्हीं अजनबियों के साथ भी संपर्क बनाने में समर्थ हो सकते हैं। आपका शुभ अंक 3 है और शुभ रंग है हरा। सिंह, जिस पर आप भरोसा करते हैं उसे लेकर कोई नकारात्मक बात सामने आ सकती है। आर्थिक मामले में बढ़ते खर्च को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन आप इससे बाहर निकलने में सक्षम साबित होंगे। जिन लोगों को लेकर आप आम तौर पर बचने की कोशिश करते हैं, उनके साथ संबंध सुधारने का ये सही मौका है। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 8 है और शुभ रंग है बैंगनी। कन्या, पेशेवर मोर्चे पर आपकी सराहना हो सकती है। अपनी बचत को संभाल कर रखें। प्रेमी किसी प्रस्ताव के साथ सैर पर जाने के लिए आपको जोर दे सकते हैं, जिसे आप टाल नहीं पाएंगे। अक्सर बाहरी टूर की वजह से आपको अपने जीवन साथी को समझाना पड़ सकता है और उसकी शंका को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करें। सड़क पर सावधानी से यात्रा करें, दुर्घटना से देर भली होती है। आपका शुभ अंक 6 है और शुभ रंग है हल्का हरा। तुला, कार्य क्षेत्र में बोरियत की संभावना है, इसलिए अपने जीवन को रोमांचित बनाने का प्रयास करें। विदेश यात्रा पर जाने की संभावना है। स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव रहेगा। घर के नौजवान को बचत को लेकर मार्गदर्शन देने की जरूरत होगी। कोर्ट कचहरी के मामले में देरी चिंता का कारण बन सकती है। घरेलू मोर्चे पर अटके हुए काम को पूरा करने में व्यस्त रह सकते हैं। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 18 है और शुभ रंग है पैरेट ग्रीन। वृश्चिक, पति पत्नी या प्रेमी के बीच निजी क्षण बिताए जाने के संकेत है। नवविवाहित जोड़े प्रेम में अभिभूत रहेंगे और अपने लिए जीवन के बेहतरीन पल बिता सकेंगे। कार्यस्थल पर सावधान रखें, आपसे कोई गलती होने की संभावना है। कोई विवादित संपत्ति आपको परेशान कर सकती है। जीवन शैली में बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आपका शुभ अंक 4 है और शुभ रंग है गुलाबी। धनु, किसी काम को समय देने की जरूरत है, लेकिन आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं। आप में से कुछ लोग खुद को पेशेवर तौर पर स्थापित करने में सक्षम हो सकते हैं। कुछ खास परिस्थितिवश परिवार की किसी जरूरत को पूरा करने में आपको देरी हो सकती है। कर्ज लेने में सावधानी रखें। रकम उतनी ही उधार लें जितनी की आसानी से चुकाई जा सके। आपका शुभ अंक 15 है और शुभ रंग है क्रीम। मकर,
दोस्तों के साथ वक्त गुजारने की संभावना है। व्यावसायिक मामले में किसी तरह की आजादी हरगिज न रखें। किसी नजदीकी द्वारा अप्रिय टिप्पणी आपको परेशान कर सकती है। घरेलू मोर्चे पर कोई बदलाव के खिलाफ हो सकता है। आपके दिमाग से रोमांस दूर रहेगा। सैर के लिए समय निकाल सकते हैं। यात्रा मजेदार साबित होगी। आपका शुभ अंक 2 है, जबकि शुभ रंग है हल्का स्लेटी। कुंभ, आप अपने परिवार के साथ खुशनुमा दिन व्यतीत कर सकते हैं। जुनून की आग फिर से ताजा होने की संभावना है। विदेश जाने की योजना आगे बढ़ रही है। जल्दी ही आपका सपना पूरा होगा। अपने काम की प्रगति से आप नाखुश रह सकते हैं। आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी, लेकिन समझदारी से खर्च करना समय की मांग है। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 18 है, जबकि आपका शुभ रंग है क्रीम। मीन, पेशेवर मोर्चे पर आपको थोड़ा और सजग रहने की जरूरत है। किसी दूसरे के कारोबार में हस्तक्षेप करने से बच सकते हैं। प्रेमी या जीवन साथी आपको किसी ऐसे काम के लिए उकसा सकते हैं, जिसके बाद आपको अफसोस होने की संभावना रहेगी। कार्यस्थल पर स्वाभिमान की टकराहट होने की संभावना है। किसी के प्रति आकर्षण पैदा हो सकता है। आपका शुभ अंक 7 है, जबकि शुभ रंग है मरून। तो ये था आपका साप्ताहिक भविष्यफल। आपका ये सप्ताह कैसे बीतेगा या अधिक विस्तार पूर्वक जानने के लिए बस आपको विजिट करना है हमारी वेबसाइट webdunia.com पर, या आप नीचे दी गई लिंक पर विजिट करें, जहां भविष्यफल के साथ ही आपका दिन और सप्ताह मंगलमय हो इसके लिए कल्याणकारी उपाय भी बताए गए हैं। इसी तरह रोजाना सुबह अपना दैनिक भविष्यफल भी जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।